हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाई फाइल क्लासेज में। चलिए यूपी पुलिस भर्ती 2024 के लिए नेक्स्ट आपका हिंदी का टेस्ट आ चुका है। सभी फटाफट से भाई क्लास में जुड़ जाइएगा, सभी क्लास में इनके क्वेश्चनों को आंसर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से सभी को आंसर करना भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए बताइए। पहला क्वेश्चन है आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। ये आविर्भाव शब्द दे रखा है ना, आविर्भाव का विपरीतार्थक विलोम शब्द आपको बताना है इसका, तो क्या बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका त्रुभाव, क्या कहेंगे उसे, त्रुभाव कहेंगे, उसका आंसर बन जाएगा सही आंसर। आगे बढ़े, उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। उन्मूलन बताइएगा, उन्मूलन का शब्द का अर्थ क्या होता है, जड़ से उखाड़ना, तो इसका उन्मूलन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, रोपण। रोपण यानी कि आपका एनजीओ लगाना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, शुद्ध वाक्य चुनिए। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, शुद्ध वाक्य का शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो शुद्ध क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल बाघ पहला ऑप्शन रखा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते, बिल्कुल एक घाट पर पानी पीते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही आपका इसका शुद्ध वाक्य बन जाएगा। ए ऑप्शन को ही आपको सही करना है। आगे चले अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा एक गाय दो घोड़े एक बकरी मैदान में चल रहे, शुद्ध वाक्य में परिवर्तित कीजिए। बताइएगा, एक गाय दो घोड़े एक बकरी मैदान में चल रहे हैं, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा आपका, तो शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही हैं। रहे की जगह क्या आएगा, रही आना चाहिए था, कहां पर दे रखा भाई, एक गाय दो घोड़े बकरी एक मैदान चल रहे हैं, गलत है, इनके एक गाय दो घोड़े एक बकरी मैदान में चल रही हैं, एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही हैं, इनके दो ऑप्शन आप भी समान दे रखे हैं, इनके इसमें रहा कर लेना भाई इसको, इनके ऑप्शन को, इनके रही हैं आएगा, ऑप्शन नंबर सी को आपको सही कर लेना, एक ऑप्शन आपको सही करना है, सही है। आगे चले, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप यहाँ पर देखिएगा, रही माने तो यहाँ पर बिंदी का फर्क लगा लेगा, यहाँ पर बिंदी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य चुनिए, कौन सा, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य क्या होगा। देखिए याद रखिएगा, जो श्रद्धा शब्द रखा है ना, श्रद्धा जो शब्द है याद रखिएगा, श्रद्धा हुआ, भक्ति हुई, ये आदि जो शब्द है इनके करना, इनकी क्रिया नहीं प्रयोग की जाती इनके द्वारा, देखिए तो इसमें क्या आएगा, क्या देखिएगा, मैं आपका श्रद्धा करता हूँ गलत हो जाएगा, मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ ये भी गलत हो जाएगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ बिल्कुल सही, मैं आपके इनके आपका क्या है, श्रद्धा रखता हूँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द चुनिए, घनिष्ठ को किस प्रकार से लिखा जाता है, घनिष्ठ को याद रखिए किस प्रकार से लिखते हैं भाई, घनी ये तो सभी के अंदर घनिष्ठ होगा ना कि टे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर अरे डी भी नहीं होगा, डी में यहाँ की बड़ी की मात्रा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, कौन सा बन जाएगा, बी ऑप्शन को आप सभी को सही करना है इस क्वेश्चन का आंसर, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य चुनिए, बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, शुद्ध वाक्य में से औद्योगिक को शुद्ध किस प्रकार से लिखा जाता है, क्या देखिए औद्योगिक को किस प्रकार लिखते हैं, ओ औद्योगिक, ये आपका शुद्ध बनेगा, औद्योगिक इसमें दे रखा भाई, औद्योगिक ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है आपका, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न, जंगल में लगने वाली आग खालिस्तान एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए, जंगल में लगने वाली आपको क्या कहेंगे, अनल दावानल जठानल पड़वानल, तो क्या कहा जाएगा, बिल्कुल दावानल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जहां लोगों का मिलन हो एक शब्द में क्या पता है, जहां लोगों का मिलन हो उसे क्या कहा जाता है, क्या कहेंगे, सम्मेलन, क्या कहा जाएगा उसे, सम्मेलन कहा जाएगा, जहां लोगों का मिलन हो उसे कहते हैं सम्मेलन। अगला क्वेश्चन, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है उपयुक्त शब्द का चयन करें, पुरस्कार, पारितोषित, उपहार या फिर प्रमुख प्रहार, बताएं, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर, इनकी आप स्कूल या फिर आपके विद्यालय में कॉलेज वगैरह में किसी प्रतियोगिता में आप विजयी हुए तो उसको आपको क्या दिया जाएगा, उसमें क्या किया जाएगा आपको, पारितोषित किया जाएगा, क्या पुरस्कार नहीं, पारितोषित बोलते हैं उसे, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन,
सांख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, उपयुक्त शब्द का चयन करें। कौन से होगा? प्रणय। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सांख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं प्रणय कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रणय कहते हैं। जबकि प्रेम को याद देखिए सबसे भाई बहन अन्य लोगों से स्नेह जो है आपका अपने से छोटे या बच्चों से होता है स्नेह। और सुख के भाव जो है ना अपने दोस्तों या फिर संख्या सखाओं के प्रति आपका क्या होता है? संख्या भाव होता है। या देखिए प्रणय आपका सही जगह। अगला क्वेश्चन, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, उपयुक्त शब्द का चयन करें। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना इसका क्या बन जाएगा? तो आंसर हो जाएगा कलंक। क्या कहते हैं उसे? हम कलंक कहा जाता है। देखिए क्या कहते हैं? कलंक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी को आपको सभी को सही करना है भाई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, शस्त्र क्या है, उपयुक्त शब्द का चयन करें। शस्त्र क्या? एक हथियार जो फेंक कर चला जाता है। बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। एक हथियार जो हाथ में थाम कर चला जाता है। बिल्कुल आपका शब्द का चयन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जिसमें संसार के प्रति मोह नहीं रहा हो, बताएं। जिसमें संसार के प्रति मोह नहीं रहा हो उसे क्या कहेंगे? वीतरागी। संसार के प्रति मोह नहीं रहा हो उसे क्या कहेंगे? वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? वीतरागी को कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जो कभी बूढ़ा ना हो, उपयुक्त शब्द बताएं। जो कभी बूढ़ा ना हो इसके लिए क्या कहेंगे? अजर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन बताएं, जो कानून के विरुद्ध हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो कानून के विरुद्ध हो इसके लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए भाई। क्या कहेंगे उसे हम? जो कानून के विरुद्ध हो बताइएगा भाई। आंसर क्या बन जाएगा? बिल्कुल याद आएगा, अवैध। क्या कहेंगे उसे? अवैध कहा जाएगा। सरल सा क्वेश्चन था। खेत का सही तत्सम शब्द, यानी तत्सम तद्भव ये पूछ रहा था। खेत का सही तत्सम शब्द क्या बन जाएगा? खेत का क्या होता है? बिल्कुल याद आएगा, क्षेत्र। क्या कहते हैं? क्षेत्र। सरल सा पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, घोटक का सही तद्भव शब्द, घोटक शब्द है ना, इसका सही तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? घोटक का। बिल्कुल याद देखिए, घोड़ा। घोटक इनकी घोड़े को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं भाई। अगला क्वेश्चन, चौकी का तत्सम शब्द बताएं। चौकी शब्द का तत्सम शब्द क्या बनेगा? चौकी क्या बनेगा? चौकी का क्या बन जाएगा? चतुष्पादिका। क्या कहेंगे? चतुष्पादिका। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? सी ऑप्शन को आपको लॉक करना है। चतुष्पादिका सी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, सूचिका का तद्भव शब्द बताएं। सूचिका शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या बनेगा? तो इसका बन जाएगा क्या? सूचिका का तद्भव शब्द, यानी कि सुई होता है। सभी शब्द याद है, तद्भव तो शब्द जो है ना आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। त्वरित का तद्भव शब्द बताएं। त्वरित शब्द का तद्भव शब्द क्या? तुरंत। क्या हो जाएगा भाई? तुरंत भी होता है इसका, याद रखिएगा। तुरंत और तुरंत ये दोनों याद रखिएगा, दोनों ही होते हैं। जबकि याद रखिएगा शीघ्र जो है शब्द तत्सम शब्द है। शीघ्र आपको क्या एक तत्सम शब्द दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोनों बी और सी दोनों सही है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी लिखी जाती है? बताइएगा हिंदी भाषा जो है आपकी किस लिपि में लिखी जाती है? तो आंसर जाएगा देवनागरी लिपि। सरल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पंजाबी भाषा बोली जाए तो पंजाबी भाषा किस में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा कहा जाए आपको याद रखिएगा, पंजाबी भाषा गुरुमुखी। ये पंजाबी भाषा का याद रखिएगा। ब्राह्मी जो है रिंगवेद की लिपि है। ब्राह्मी लिपि जो है किसकी है? रिंगवेद की। ये भी याद रखिए, ये किसकी है? आपके रिंगवेद की है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? आपसे पूछेगा स्वर इनमें से कौन सा नहीं है? स्वर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी आपका सही होगा। सभी को पता होगा भाई, डी ऑप्शन आपका सही होगा। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के याद रखना, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। कौन से 6? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। सभी के नाम, इनके पुरुष, निज, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न और संबंध, ये सभी क्या है? सर्वनाम के प्रकार होते हैं। आगे क्वेश्चन आगे चले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? बताइए कौन सा शब्द है जो आपका क्रिया विशेषण है? देखिए याद देखिए, तेज जो शब्द है आपका क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बाकी सभी देखिए आपका बुद्धिमान, मीठा और पहला, ये सभी क्या है आपके? ये सभी आपकी क्या है?
या देखिए बुद्धिमान और मीठा, ये दोनों क्या है आपके गुणवाचक, पहला क्या है, पहला जो है ना आपका क्रम सूचक है, ये तो आपका क्रम सूचक विशेषण याद रखिएगा, और बुद्धिमान और आपका मीठा ये क्या है आपका, याद रखिए गुणवाचक, इनके गुणवाचक विशेषण हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द बताएं, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, सहायता, ऑप्शन नंबर सी आपका एक वचन में प्रयुक्त होता है, जबकि आपका पौधा हुआ, पुस्तक हुआ, लड़का, लिंग, वचन, कारक, ये सब क्या बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अगला क्वेश्चन, भूदर्भ का संधि बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइएगा भाई, भूदर्भ का संधि विच्छेद क्या बन जाएगा, भूदर्भ का संधि विच्छेद क्या होगा, भू प्लस में यानी कि ऊ है, यहाँ पर यानी कि आपका ऊ बड़ा ऊ आएगा, ये बनेगा भाई संधि विच्छेद, भू प्लस में उदर्भ किस में दे रखा, भू प्लस में उदर्भ किस में दे रखा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये संधि कौन सी है इसमें, तो ये संधि कौन सी हो जाएगी आपकी, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, संधि भी याद रखिएगा, संधि भी पूछी जाती है इसमें। आगे अगला क्वेश्चन, हत्याना में कौन सा क्रिया है, हत्याना, हत्याना में कौन सी है भाई बताइए, हत्याना कौन सी हो जाएगी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, नाम धातु क्रिया, एम की जो है क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम या फिर विशेषण के प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, हत्याना, हत्याना जो है ना हाथ से बनाए, हाथ से हत्याना, जैसे बात से बतियाना बनता है उसी प्रकार से लात से क्या बनता है, लतियाना, सर्म से सरमाना, ये सभी क्या है आपके नाम धातु के अंतर्गत आ जाए। अगला क्वेश्चन, उच्चारण का संधि विच्छेद बताइए, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उच्चारण का सही संधि विच्छेद देखिए, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या क्या बनता है भाई, उत प्लस में क्या बन जाएगा चारण, इसमें संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि, संधि भी याद रखिए, उच्चारण में व्यंजन संधि भी आपसे पूछी जाती है, और ये आपके याद रखिए शब्द शुद्धि के अंदर भी ये सवाल आपसे उच्चारण पूछा जाता है, उच्चारण को किस प्रकार से लिखा जाता है, कौन सी यह व्यंजन संधि के अंदर आती है, क्योंकि हमके तय के बाद में क्या रहा है इसमें, तय के बाद में देखिए, इसमें तय के बाद में क्या रहा भाई, तय के बाद में छ अथवा छ आए, तो वह तय का क्या हो जाता है, छ, और आपके याद देखेगा तय के बाद में छ आ रहा है तो तय का क्या बन जाता है, छ आपको बन जाता है, क्या हो जाता है छह, इनकी छह और छह आए तो इनकी तय का तो छह बन जाता है, या देखिएगा ऑप्शन नंबर किसने देखा, उत्त प्लस में चारण, इनकी आपका उत्त प्लस में चारण किसमें दे रखा है भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन, उत्त प्लस में चारण, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, प्रश्न वह बताइएगा, वह का उच्चारण स्थान होता है, वे का उच्चारण स्थान कौन सा है, वे बताइएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, सी ऑप्शन दंतुष्ट, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, दंतुष्ट, क्या देखिएगा। आगे चले अगले क्वेश्चन की ओर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया में खाया होगा में कौन सी क्रिया है, सहीगा कौन सी क्रिया के अंदर आता है, राम ने खाना खाया होगा, खाया होगा में कौन सी है, बिल्कुल याद देखिएगा आपकी संदिग्ध, संदिग्ध भूत का भूत में आएगी, खाया होगा इनकी संदिग्ध भूत में आएगी, ऑप्शन नंबर बी आपका बन जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चले अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा भाई, देखिए वही प्रश्न है, इनकी एक और छह जो है ना